नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में नए टॉपिक पे आपका स्वागत करता हूँ। और इस समय जैसा आप मुझे देख रहे हैं, मेरे बैकग्राउंड में आपको ट्रेन दिख रहा होगा। तो मैं फ़िलहाल हूँ बनारस जंक्शन में, और समय की बात की जाए तो इस समय हो रहा है समय आपका 10 बज रहा है, और प्लेटफार्म नंबर 8 पे मैं बैठा हुआ हूँ, क्योंकि मेरा एक दिल्ली से अराइवल होने वाला है। एक गेस्ट आ रहे हैं हमारे दिल्ली से, तो उनको मैं पिकअप करने आया हूँ। तो यही कुछ नज़ारा है, और बाकी इस वीडियो में आपको मैं बनारस जंक्शन दिखाऊंगा। मैं पिछला वीडियो बनाया था जो भोर का था, दिन का उजाले में मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं बैक कैमरे से एक बार आपको दिखा देता हूँ। ये मुख्य द्वार है, सामने देख रहे हैं, और वहाँ से वीआईपी लॉज है, लोग अंदर आते हैं। और यहाँ पे सीटिंग एरिया बना हुआ है जहाँ पे यात्री अपना ट्रेन का इंतज़ार करते हैं। तो कुछ ऐसा नज़ारा है, 9:51 हो रहा है, और ये आपका बनारस रेलवे स्टेशन है। अभी जो मेरी ट्रेन है वो दिल्ली से आने वाली है। तो वीडियो में दोस्तों बने रहिएगा, मैं आप लोगों के लिए ऐसे वीडियो बनाता रहता हूँ। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये मशीन देख रहे हैं आप, ये आप स्वच्छ काशी, स्वलंबी काशी, ये आपका प्लास्टिक की बोतल रिसाइकल करें, मतलब यहाँ पे बॉटल का एटीएम है, यहाँ पे आपको अपना बॉटल डालना पड़ता है सामने, और उसमें अंदर चला जाता है। प्लास्टिक ना फेंके इधर उधर, मैं हूँ ना तुम्हारे अगल बगल। तो कुछ ये मशीन लगा हुआ देख सकते हैं बनारस रेलवे जंक्शन पे, और काशी की प्ररूप लगा हुआ है। यहाँ पे मशीनें रखी हुई हैं साफ सफाई के लिए, और काफ़ी साफ़ सुथरा ये आपका स्टेशन है, काफ़ी सुंदर बना हुआ है। और यहाँ पे भोजनालय है, आरती भोजनालय, और ये मशीन। पिछली बार मैं आपको ये लिफ्ट दिखाया था, और ये लिफ्ट फिलहाल ऊपर जा रहा है, अभी ये नीचे आएगा तो मैं दिखाता हूँ आपको। और ये प्लेटफार्म संख्या 8 है, और अपनी ट्रेन दिल्ली से यहीं पे आएगी। तो यही कुछ नज़ारा है दोस्तों। बाकी इस लिफ्ट की बात की जाए दोस्तों, तो ये लिफ्ट हमेशा जब मैं आता हूँ यहाँ ये लिफ्ट चलता रहता है। बाकी अब विश्वनाथ मंदिर का देख लीजिए एक्सेलेटर मशीन, वो जब हम जाते हैं तो बंद ही रहता है। तो भाई पब्लिक के लिए लगा है तो उसको चलना चाहिए, जैसे यहाँ का है, यहाँ का लिफ्ट हमेशा चलता रहता है, तो बहुत प्लस पॉइंट है यहाँ के पैसेंजर के लिए। वो आते हैं लिफ्ट से प्रयोग करके प्लेटफार्म पे चले जाते हैं। बाकी दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। ये आपका बनारस प्लेटफार्म संख्या 8, यहाँ पे लिफ्ट लगी हुई है, और ये लिफ्ट से लोग ऊपर जाते हैं, और यहाँ पे ट्रेन खड़ी है एक, और मेरी ट्रेन इधर से आएगी आपका। और फिलहाल अभी ट्रेन ज्ञानपुर की तरफ है जो 10:10 पे आएगी और इसी पे लगेगी। तो कुछ ऐसा नज़ारा है दोस्तों, चलिए मैं ऊपर लिफ्ट से चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ लिफ्ट से ऊपर का नज़ारा। तो ये अपना लिफ्ट आ रहा है, अभी लिफ्ट आएगा, लिफ्ट आ चुकी है, अब यहाँ से लिफ्ट खुल गया और हम एक नंबर दबाएंगे और ये लिफ्ट बंद होगा, फिर हम चलेंगे ऊपर की तरफ, थोड़ा समय लेगा। देखिए लिफ्ट बंद हो चुका है, कैपेसिटी 15%, और ये 15% को लेके ऊपर तक जा सकता है। बाकी अभी सुबह का समय है, भीड़ नहीं है प्लेटफार्म पे, तो मैं इस वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ। और चारों तरफ ट्रेनें खड़ी हैं, और ये सुबह का कुछ ऐसा नज़ारा है, मान लीजिए 10 बज चुका है, और अपनी गाड़ी वहाँ पे देखिए गाड़ी खड़ी है, इसी गाड़ी से मैं आया हूँ, और इसी गाड़ी से मुझे ताज होटल जाना है। और कुछ ऐसा नज़ारा है, पार्किंग एरिया देख सकते हैं आप, पूरा ऑटो फुल है। बनारस रेलवे स्टेशन द्वितीय प्रवेश द्वार, ये आपका द्वितीय प्रवेश द्वार है। अभी अपनी ट्रेन आई नहीं है, अभी ट्रेन का हम इंतज़ार कर रहे हैं, अपनी ट्रेन आती है तो मैं आपको दिखाता हूँ। और ये चार्ट लगा हुआ है, 9 नहीं दिख रहा, और सीढ़ी देखिए, जिसको सीढ़ी से जाना हो सीढ़ी से जा सकता है, जिसको लिफ्ट से जाना है लिफ्ट से जा सकता है। 10:01 हो चुका है,
सारे स्टेशन को कवर करना तो पॉसिबल नहीं है। अब बाकी मैं इसी तरह आपको दिखा दे रहा हूँ एक ओवरऑल व्यू स्टेशन का। और अब देखते हैं गीला कूड़ा, सूखा कूड़ा और जोखिम अपशिष्ट, मतलब ये डस्टबिन तीन प्रकार के यहाँ लगे हुए हैं, कुछ ऐसा नज़ारा है। वहाँ पे देख सकते हैं आपकी काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस खड़ी है, अभी वो जाएगी नहीं क्योंकि अब उसका समय नहीं है अभी, और अभी दिल्ली वाली अपनी आएगी तो दिल्ली वाली से मैं अराइवल करके चलूँगा। तो ये वीडियो है दोस्तों, एक्चुअली देखिए आप वीडियो देखते हैं दोस्तों, वीडियो को लाइक नहीं करते और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो बनाता रहता हूँ। बाकी हम उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी आपको, क्योंकि बनारस जंक्शन से लोग बहुत लोग गुजरते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन के पास नहीं होती तो इन्फॉर्मेशन मैं अपने वीडियो के माध्यम से दे देता हूँ। बाकी आप प्लेटफॉर्म देख सकते हैं पूरा खाली खाली है, सफाई बहुत अच्छी है, चारों तरफ सफाई हो ही रहा है। और ये सीढ़ी है और अपनी कैब यहाँ पे खड़ी है, मैं आपको एक बार फिर से अपनी कैब दिखा देता हूँ। ये अपनी कैब खड़ी है और इस कैब से मुझे जाना है। तो दोस्तों ये फाइनली अपनी ट्रेन आ चुकी है, आप देख सकते हैं, और इसी में अपने गेस्ट भी हैं और इनको लेके मुझे ताज होटल जाना है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। हम उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी, तो सिंपल सा पता है आपको वीडियो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है।